बिल्कुल पामने जैसी बनी है टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही खाने में लजीज हैं और बहुत ही यमी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, तो अभी बन रही हैं। कोई बात नहीं पुत्र, डिंगियाँ चिबियाँ हो गई हैं तो कोई, जो कि 3 टिक्कियाँ की एवरेज के हिसाब से मैं ये बनवा रहा हूँ, 25,000 टिक्की। अगर नाना आर्डर पर टाइम पूरा किया जाता तेरी टेंड का, तो वो जो पीछे फ्लावर्स हैं 315 दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है यार, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में सबसे पहले आप सबको करते हैं वेलकम। तो भाईजान, सर्दी इतनी पड़ रही है कि सर्दी की वजह से मेरा नाक खुश्क नहीं हो रहा। इट्स मीन मुझे लग गया है फ्लू, जिसकी वजह से मेरा हो गया है जीना हराम। कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले, कोई काम करने से पहले मुझे आ जाती है छींक, जिसकी वजह से मेरा दिमाग हर शय हो गई है अपसेट। फ्लू एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का सुकून ऐसा तबाह करती है, ऐसा तबाह करती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, झटके ही लेता रहता है छींकों के। तो खैर, अभी दिशांदा बनाते हैं, दिशांदा दिशांदा पीते हैं, क्योंकि पड़ी है सूखी सर्दी। सूखी सर्दी जब भी पड़ती है ना, ये इंसान को ऐसा झंझोड़ती है, ऐसा झंझोड़ती है कि उसको कर देती है तबाह। एक आधी बारिश हो जाए, ये जो बीमारी हवा में फैली हुई है ये सारी नीचे बैठ जाए, थोड़ा सा इन लोगों को सुकून हो जाए। धूप निकल नहीं रही, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इससे हर बंदा फाइट कर रहा है। तो खैर, अब चलते हैं, थोड़ा सा स्टोर से लेके आना है सामान, एक गिफ्ट लेके आना है और बाकी सामान लेके आना है। टिश्यू पेपर ख़त्म हुए हैं और बाकी थोड़ा लल्लड़ पल्लड़ लेके आना है, तो वो लेके आते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहें। तो भाई साहब, मैं जा रहा हूँ स्टोर पे, तो मामा से पूछते हैं कि उन्होंने कोई अगर सामान मंगवाना है तो वो भी अपना बता दें, सजेस्ट कर दें कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन मैं जा तो रहा हूँ, तो फिर डबल डबल फेरे फटने से अच्छा कि और कुछ चाहिए इसके अलावा? नो, पेपर ले आना, नैपकिन। नैपकिन पेपर, हाँ। और ठीक है, इसके अलावा और कोई सामान नहीं है? नहीं। बाकी तो सारा हमने मंगवा लिया था, मसाले वगैरह सारा सारा आ गया। तो भाई साहब अच्छा, चलते हैं। पहले जैकेट या ऊपर चादर ओढ़ के जाना, वैसे नहीं जाना, पहले आपकी तबीयत तो ऊपर। जैकेट पहन लेता हूं मैं। हां, मैं तो कहती हूं वो चादर भी ले ले। नहीं, इतना अब इतना हैवी मैं कहां से उठाता फिरूंगा। भाई साहब, यहां से थोड़ी सी लगाते हैं परफ्यूम, फिर चलते हैं मार्केट में। ये लगाते हैं ना थोड़ी सी खुशबू, चलते हैं। ये खुद ही मामा स्मेटती रहेगी बाद में। मामा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा, खैर से okay. जाओ और खैर से वापस। जैकेट कहाँ है मेरी? उधर रखी है, पड़ी है सोफे के ऊपर। यहाँ से पकड़ते हैं जैकेट और चलते हैं स्टोर पे, वहाँ से लेके आते हैं सामान और वहाँ जाके आप आपको। अच्छा, मेरी बात सुनो, सूखा धनिया ले आना, अनारदाना ले आना। सूखा धनिया, अनारदाना और सूखा धनिया। चले, मैं वो टिक्कियां बना लेते हैं। चले ठीक है, वो लेके आते हैं, उधर से ही पता कर लूंगा, अगर मिल गई तो मैं वहां से ले आऊंगा। वो मिल जाएगी नहीं तो इधर से मिल जाएगी, वरना बाहर से किराने से ले लूंगा। चले चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं वहां पर। तो भाई साहब, यहां तो मैं आ गया हूं और अब देखते हैं यहां पर कोई मुझे अगर अच्छा सा गिफ्ट मिल जाता है तो यहां से ले लेते हैं। ये तो बच्चों के खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं सारे, खिलौना तो नहीं चाहिए मुझे। इधर से देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो वो ले लेते हैं, फिर ले के चलते हैं। ये तो सारी बच्चों वाली आइटम्स पड़ी हुई हैं। ये लड़कियों वाले हैं सारे, कौन सा नहीं यार, समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही है बच्चों को। चलो भाई से पूछते हैं, एक्सक्यूज मी भाई, गिफ्ट कहाँ पड़े हुए हैं सारे? गिफ्ट यार, ये एक वाइज वगैरह छोटा बच्चे को पड़ा, बच्चा नहीं है कोई, लड़की है, उसको देना। टेडी बेयर पड़े हैं, वो सामने वाले गिफ्ट है जो सामने ले जाओगे, ये खिलौने हैं, ये कॉस्मेटिक का सामान पड़ा है। ये कॉस्मेटिक का सारा? हाँ, वो नीचे भी है। किधर? नीचे कॉस्मेटिक। नहीं नहीं, टेडी बेयर पड़े। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये मैं लूँगा फिर किसी दिन आके। ये हेलीकॉप्टर है, हाथ से चलता है, ये लूँगा मैं बाद में आके किसी दिन। तो भाई साहब, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ नज़र आई है लेने वाली, तो मैंने सोचा कि यहाँ से देखते हैं तो आपको भी साथ दिखाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी तो हुई हैं, ये वाली दिखाओ भाई, ये वाली। हाँ, ये वाली तस्वीर वगैरह, लाइट जलती है। इसके अलावा जो पीछे पड़ा है, ये बाहर ही रहने दोनों, शीशा नहीं है इसका? नहीं है। अच्छा, मुझे लगा टूटी ना जाएगी, मेरे पेटे पड़ा हो। बाकी ये
बाकी ये फ्लावर होगा। ये जो नीचे पड़े हुए हैं ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, दिखाएं। तो ये जो ये मग वाला सेट है ये कितने का है? ये 1200 कुछ रुपए का। तो वो जो पीछे फ्लावर्स हैं ये 315 का। दिखाओ ये चलते हैं, सेल डलते हैं। नहीं, फाइनली ये मैंने देखा है जान, ये टिश्यू पेपर लिया है, ये काफ़ी बड़ा बंडल है, 550 पीस है इसके अंदर। चलो ये ले लेते हैं, मैंने ले लिया सामान, ये चाहिए था मुझे। तो अब ये बिल वगैरह करवाते हैं और लेके चलते हैं घर में। बिल तो बोले ऐड, हाँ ऐड तो लगता है, एडसेंस का अकाउंट लगता है लगता है। तो भाई साहब सामान वगैरह तो मैं लेके सारा घर आ गया हूँ, जो जो चीज़ें चाहिए थी, जो जो चीज़ें बोला हुआ था सारा कुछ शॉपिंग करके तभी मैं घर पहुँच आया हूँ। तो मामा ये मैं लाया हूँ सारा कुछ, मसाले मसाले भी ले आया हूँ, नैपकिन भी ले आया हूँ, ये गिफ्ट भी ले आया हूँ, ये बाकी बचे थे ये वाला लाया हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेक्स का है तो 550 पीस है। कोई बात नहीं, थोड़ा रखो। ये क्या लाए हो? ये बोतल है, अपनी चॉकलेट्स वगैरह लाए हैं साथ। तो भाई साहब मुझे तो अब लग रही है इंतहा ज़्यादा भूख। तो अब सिस्टर को बोला हुआ है मामा ने कि आज उसने ही हमें शामी कबाब बना के खिलाने हैं, तो उसको बोला कि हमें बना के खिलाओ। तो वो अब जा रही है किचन में, आपको भी साथ दिखाते हैं कि वो बना रही है। तो आपका भाई ज़रूर खाएगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट है और बहुत ही यमी बनाती है वो। तो अब खाते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे और कितने लजीज बनाती है। तो लेट्स सी। तो भाई जी ये मेरी सिस्टर ने आज बनाए थे चिकन और चिकन के कीमे की और आलू की शामी कबाब। तो अब ये फ्राई करने लगे हैं, तो हम सबको खिलाने लगे हैं। जी भाई जी हमें तो आज लगी है इंतहा की भूख, इंतहा की भूख लगी है क्योंकि आज सुबह हमने बिल्कुल लाइट सा नाश्ता किया था, नाश्ता भी किया था, गाजर का हलवा खा लिया था थोड़ा सा नाश्ते में और एक कप चाय का पिया था। तो लंच में भी आज कुछ नहीं खाया, बस ऐवे बैठे 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 टाइम गुजर गया। तो आज लाइट भी नहीं थी, जब लाइट जाती है ना तो इधर 6-6, 7-7 घंटे लाइट ही नहीं आती पाकिस्तान में। तो अब ये सिस्टर बना रही है तो आपको साथ दिखाते हैं। ये जी पक रहे हैं, फ्लेम हल्का ही है बिल्कुल, क्योंकि ये हल्के फ्लेम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाती हैं। तो ये पक रही हैं, पकने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जी इसकी फाइनल लुक। तो भाई साहब टिक्कियाँ शिक्कियाँ हो गई हैं रेडी, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी बनी हैं। ये देखें जी इनकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितनी यमी बनी है, बिल्कुल पामने जैसी बनी है टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही खाने में लजीज है और बहुत ही यमी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो अभी बन रही हैं, कोई बात नहीं, पुत्र डिंगियाँ चिबियाँ हो गई हैं तो कोई बात नहीं, हमें डिंगियाँ चिबियाँ करके खानी है, गोलमेंट और कोई भी नहीं जुबान पर रखता, कोई बात नहीं, जैसी भी बनती हैं पका के खुआ दे सकते बस। बाकी वो पड़ी हुई है जी, बन रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी शादी के वलीमे पे ना मुझे 25,000 ये टिक्की चाहिए, ठीक है? आपने ज़रूर बना के देनी है, ठीक है? बोलो तो सही। हाँ ठीक है, ठीक है भाई जी, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। 25,000 ऐसी की टिक्कियाँ मुझे चाहिए, जो कि 3 टिक्कियाँ की एवरेज के हिसाब से मैं ये बनवा रहा हूँ, 25,000 टिक्की। अगर ना ना ऑर्डर पर टाइम पूरा किया तो तेरी टेंड कर देनी है मैंने भाई जी। ये जी अब ऑर्डर हो गया पूरा, ये गंगू हलवाई को मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो ये हलवाई साहब बना देगा हमें टाइम पे। ये जी रेडी हो गया, तो मैंने कपड़ा कपड़ा बिछाते हैं, रोज भी रोटियाँ छुटकियाँ लेके आ गया, तो फिर बैठ के नाश्ता डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर आपको मिलते हैं, बताते हैं कि इसने क्या बनाया है। ओके तो भाई साहब डिनर शिनर लग गया सारा, तो डिनर डुनर कर रहे हैं साथ, रोटी रोटियाँ साथ, ये बहुत ही मज़े की बनाई है, टेस्ट आ गया, मज़ा आ गया जी खाने का भी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी माशाल्लाह शामी बनी है। और 7 बच्चे रोटी ले आए, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, चलो उनकी मेहरबानी, उन्होंने आज मेरा साथ दे दिया, कोई बात नहीं, चलो करते हैं फिर करने। तो फाइनली गाइस ये भी मैं करने लगा हूं गिफ्ट को पैक, अब देखिए आज करते कैसे हैं हम।
अब ये मैंने कर लिया है। तो भाईजान ये पी रहे हैं, अब ये ट्राई कर रहे हैं, अब इसका अल्लाह करे नशा ना चढ़ जाए। आपके भाई को लास्ट टाइम नशा चढ़ गया था हमें मामूली सी बोतल ही पी के, तो अब पीते हैं। सर्दियों में तो ना भी नशा चढ़े तो नासा फिर भी वक्त ही रहती है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये पीते हैं, पीने के बाद मिलते हैं आपको बाद में। तो भाई साहब महसूस किए गए हैं इस्लामाबाद और पिशावर से ये खबर आ रही है, लाहौर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला है पिशावर लाहौर में, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस मुतालिक जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी आपको आगाह करेंगे। तो भाई जी अर्थक्वेक आया है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कब आया कब नहीं, लेकिन अल्लाह खैर करे। तो बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पेशावर लाहौर और जो पाकिस्तान के नॉर्थर्स एरियाज हैं पहाड़ी इलाके हैं उनमें ज़्यादा आया है। तो अल्लाह पाक खैर करे तमाम हमारे मुल्क की, हमारा मुल्क तो आ गई बहुत पीछे जा चुका है दूसरी कंट्री से। तो अल्लाह पाक अपनी आफतों से महफूज रखे, आफतें पहले ही बहुत आई हैं इस मुल्क में। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे उन सब घरों को जो बेचारे कच्चे हैं या पक्के हैं। जलजले के आगे ना कच्चा घर होता है ना पक्का होता है, वो बस अगर अल्लाह रखने पे आया तो कच्चे घरों को भी रख लेता है, अगर तबाह करने भी आया तो 10-10 मंजिला इमारतों को कर देते हैं। ये सब अल्लाह की शान होती है, तो इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान तो बस एक खाक है। तो खैर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, आज जलजला आया तो हमने तो नहीं खैर फील किया, लेकिन जो मशीनें लगी होती हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लेती हैं अगर कोई अर्थ पे कोई मूवमेंट हो रही हो किसी कंट्री में। तो खैर अल्लाह पाक हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मैं फिर यही बात कहूँगा। तो दुआ करते रहना चाहिए और अपना ही ईमान हर मुसलमान को आखिरत पे रखना चाहिए। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नई रूटीन में। अल्लाह हाफिज़।